Hello friends, welcome back to my channel. Please like, share and subscribe my channel और regular updates के लिए bell icon दबाना मत भूलिएगा। आप सभी ने चिकन शोरमा रोल या चिकन शोरमा सैलड बाहर जरूर खाया होगा। बहुत टेस्टी लगता है ना, मुझे भी। तो हम आज उसी का चिकन शोरमा फ्राई बनाने वाले हैं, बहुत इजी वे में। आप चाहे तो इसको एज इट इज मेरी तरह एंजॉय कर सकते हैं या फिर इसी को रोल या फिर सैलड में कन्वर्ट करके खा सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है। इनको हम लेंथ वाइज 2 पार्ट में काट लेंगे। मैरिनेशन बनाने के लिए 2 टेबलस्पून हंग कर्ड लेंगे, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला लेंगे, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और तेल ले लेंगे 1 टेबलस्पून। इनको अब अच्छे से हम मिला देंगे। अब चिकन पीसेस को अच्छे से हम मैरिनेट लगा देंगे। अब चिकन को मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट साइड रख देंगे। तब तक हमारा एक डिप बना लेते हैं हम। उसके लिए हमने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज, उसमें थोड़ा चिली सॉस मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हल्का सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे और हमारा डिप तैयार है। पैन में थोड़ा बटर लिया है हमने, उसको मेल्ट होने देंगे। अभी इसी हॉट बटर में हम अपने चिकन पीसेस ऐड करेंगे। हमें चिकन के दोनों साइड्स को 2-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करना है। बाकी चिकन पीसेस को भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राइड चिकन को हम स्लाइसेस में काट लेंगे।
तो लीजिए हमारा चिकन शवरमा फ्राई तैयार है। सैलड और डिप के साथ इसको एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।